हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया हमने पहले पढ़ी है, उसका दोहरान कर लेते हैं। क्रिया का रिवीजन फिर से एक बार देखते हैं। देखिए, क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए या फिर पाया जाए, उसे हम क्रिया कहते हैं। कार्य करना या होना पाया जाए या कार्य का करना या होना समझा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी शब्द को हम क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे खाना, पीना, गाना, रहना, जाना, आना, सोना, सभी कार्य जो हम सुबह से शाम तक करते हैं, वो सब के सब क्रिया में ही आते हैं। यानी कि काम, जो भी काम हम करते हैं, वह सब क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। ठीक है, अब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं कि राम बाजार जाता है, ऋतु आम खाती है। तो देखिए, कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं होता, क्योंकि वाक्य अधूरा रह जाता है। जब तक हम उसमें क्रिया का प्रयोग नहीं करते, वाक्य पूरा नहीं होता। तो वाक्य में क्रिया का होना अति आवश्यक है। देखिए, हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे राम खाना खाता है, घोड़ा दौड़ता है। राम क्या काम कर रहा है? अभी खाने का काम कर रहा है ना, और घोड़ा क्या काम कर रहा है? दौड़ने का। तुम स्कूल जाते हो, अभी तुम क्या कर रहे हो? स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाते हो, या रोज तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, तो उठना, बैठना, नहाना, खाना, साफ करना, चलना, दौड़ना, खेलना, खिलाना, सभी के सभी किस में आते हैं? क्रिया में आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं इन वाक्यों को। सूर्य चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है, यानी कि कोई क्रिया हो रही है, अर्थात यह क्रिया अपने आप होने वाली है। कुछ क्रियाएं अपने आप होती है, कुछ क्रियाएं हमारे द्वारा की जाती है। मानव द्वारा या किसी प्राणी द्वारा की जाने वाली क्रियाएं की जाने वाली क्रियाएं कहलाती हैं, और प्रकृति द्वारा अपने आप होने वाली क्रियाएं अपने आप होने वाली क्रियाएं होती है। जैसे नदी का बहना, हवा का चलना, पत्तों का गिरना, सूर्य का उगना, है ना, सूर्य उदय होना, सूर्य अस्त होना, ये सारे के सारे कार्य अपने आप होने वाले हैं। नहाना, धोना, खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, सुबह से शाम तक हम जो भी कार्य करते हैं या करवाते हैं, वो कार्य किए जाने वाले होते हैं। तो सूर्य चमक रहा है, सोम सेब खा रहा है, तो ये कार्य तो किया जाने वाला है। सेब खाने का काम कोई भी कर सकता है। ठीक है, माँ खाना पका रही है, नेहा नृत्य कर रही है। नेहा क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। तो आपने देखा, प्रत्येक वाक्य में कुछ न कुछ काम तो हो ही रहा है। कोई भी काम हो, चाहे कुछ न कुछ काम वाक्य में होता ही है, अर्थात प्रत्येक वाक्य तभी पूरा होगा जब उसमें क्रिया हो। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये फिर से हम दोहरान कर रहे हैं। आप अपने पूर्व ज्ञान से मिलान कीजिए, और जो भी चीज़ें भूल चुके हैं उनको फिर से आप याद कर सकते हैं। ये वे शब्द जिनके द्वारा काम के करने या होने का ज्ञान हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक ऐसा नहीं है कि ये परिभाषाएं अलग अलग है, एक जैसी है सभी परिभाषाएं। कुछ काम अपने आप होते हैं और कुछ काम किए जाते हैं। बस थोड़ा सा मैंने इन परिभाषाओं में शब्दों का हेरफेर किया है। आप किसी भी तरह से बोल सकते हो, वे शब्द जिनके द्वारा काम किया जाता है वे क्रिया कहलाते हैं, वे शब्द जिनमें काम का होना या करना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। बात वो की वही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पे देखा कुछ कार्य ऐसे हैं जो किए जा रहे हैं और कुछ अपने आप हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, पत्ता टूटता है, पत्ता टूटता है, अपने आप टूटता है, प्रकृति है, पेड़ है, खुद ही बड़े होते हैं। हाँ, इनको हम पानी देते हैं, लेकिन कई बार बारिश के पानी से भी पेड़ बड़े हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी इनको मिल जाती है, ऑक्सीजन इनको मिल जाती है, जो भी इनको चाहिए वो सारा खाद्य इनको प्रकृति द्वारा ही मिल जाता है। तो और जब पत्ते पक जाते हैं, पीले हो जाते हैं, तो अपने आप झड़ जाते हैं या टूट जाते हैं। मोहन साइकिल चला रहा है, तो मोहन साइकिल चलाने का काम किया जा रहा है। मैंने दूध खरीदा, दूध खरीदने का काम भी किया गया है। टूटता है से काम के अपने आप होने का पता चल रहा है। अगर तोड़ा गया है, अगर
पेड़ का पत्ता तोड़ा गया, तब तो काम अपने आप नहीं हो रहा है, किसी के द्वारा तोड़ा गया है, लेकिन टूटता है से पता चल रहा है कि कार्य अपने आप हो रहा है। खरीदा शब्द से काम के करने का पता चल रहा है कि काम किया जा रहा है। कभी काम करने का पता केवल एक शब्द से लगता है और कभी कभी काम होने का पता एक से अधिक शब्दों द्वारा लगता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये पूरे वाक्य से ही पता चले कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और देखें कि हम सुबह से शाम तक क्या क्या कार्य करते हैं या क्या क्या क्रियाएं हमारे द्वारा की जाती है। देखिए, उठना, सबसे पहले हम उठते हैं, नहाते हैं, नहाना, पहनना, उसके बाद कपड़े पहनते हैं तो पहनना, फिर हम नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं, खाना, साफ सफाई करना, चलना, स्कूल के लिए हम जाते हैं तो चल के जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके हम बैठते हैं क्लास लेने के लिए तो बैठना, वहाँ पे हम खेलकूद में भाग लेते हैं, दौड़ना, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ना, पानी पीते हैं, पीना, विद्यालय में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है तो उनको देखना, पढ़ना, सुनना, लिखना, खेलना, चलना और धोना। अनेक क्रियाएं सुबह से शाम तक हमारे जीवन में जो होती है वो सारी के सारी किस में आती है, क्रिया में। इस तरह बहुत सी क्रियाएं हैं जो हमारे रोज के जीवन से जुड़ी है। ओके स्टूडेंट्स, आप इन क्रियाओं को आप भी लिख सकते हैं, आप अपने ही जीवन पे गौर कर सकते हैं कि सुबह से शाम तक मैं क्या क्या काम करता हूँ और उन कामों के अनुसार आप छोटे छोटे वाक्य बनाइए कि मैं सबसे पहले उठता हूँ, कितने बजे उठता हूँ, समय आप पता है 6 बजे मैं उठा, उसके बाद मैंने ब्रश किया, मैं नहाने गया, मैंने खाना खाया, आप अगर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई, व्यायाम करते हो तो मैंने व्यायाम किया, ऐसे आप जो भी कार्य करते हो छोटे 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 वाक्य बना बना के आप लिख सकते हो, फिर आपको पता चल जाएगा, आपके वाक्य भी बन जाएंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कितनी क्रियाएं आपने सुबह से शाम तक की है। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं क्रिया शब्द भाषा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनके बिना कोई भी वाक्य नहीं बन सकता। जैसे सुमित, मैम गृह कार्य कब देना है? अध्यापिका, बुधवार को सब बच्चे गृह कार्य लाएंगे। क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और एक से अधिक शब्दों की भी हो सकती है। जैसे माँ कल आएगी, मैं पुस्तक पढ़ चुकी हूँ। लिंग और वचन के बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ही लिंग और वचन बदलता है वैसे ही क्रिया का रूप भी बदल जाता है। मोहन किताब पढ़ता है, मोहन क्या है? पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग में ही आएगी, यह आप ध्यान रखिएगा। सुमिता किताब पढ़ती है, सुमिता स्त्रीलिंग है तो पढ़ती है, क्रिया भी स्त्रीलिंग में हो गई। कुछ क्रियाएं स्वयं होती है और कुछ क्रियाएं की जाती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, पत्ता टूटा या पत्ता टूटता है, ठीक है। नदी बहती है, हवा चलती है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे स्वयं होने वाली क्रिया और भी दी है, पानी बरस रहा है, ठीक है, बादल बरस रहे हैं, आप ये भी बोल सकते थे। किसान हल चलाता है, ये की जाने वाली क्रिया है, हल अपने आप नहीं चलता है और पानी अपने आप बरसता है, इसलिए ये होने वाली क्रिया है, स्वयं होने वाली क्रिया। जिन शब्दों से, देखिए हमने क्या क्या सीखा है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। बोध हो, ज्ञान हो, पता चले, एक ही बात है, आप बार बार कन्फ्यूज मत हो ना, मैं बार बार मैं आपको ये बात बोलती हूँ, यहाँ पे शब्द के परिवर्तन से आपकी जो परिभाषा है वो परिवर्तित नहीं होगी, वही रहेगी। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता, बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होगा। लिंग और वचन के बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है, ये भी हमने सीखा है ना, लिंग और वचन के बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये एक वर्कशीट है जो मैं लेके आई हूँ, कोष्टक में दी गई क्रियाओं के योग्य रूप लिखकर वाक्य पूरा करो, उदाहरण देखकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे हम देखेंगे उदाहरण और फिर वाक्य पूरे करेंगे। देखिए, वह झूठ
बोलना क्रिया का रूप दिया हुआ है यहाँ पे, तो झूठ बोलता था, बोलता है, बोल रहा था, आप यहाँ पे अपने अनुसार क्रिया का रूप भर सकते हैं। बोलना क्रिया शब्द है, इससे आप क्रिया के रूप बदल बदल के यहाँ पे भर सकते हैं। वह अपना काम करता है, करना यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि करना से क्रिया बनानी है आपको, करता है, करता था, कर रहा है, इस तरह से हम क्रियाएं बना लिख सकते हैं, कर चुका है भी लिख सकते हैं। तो क्रिया का रूप आपको इस तरह से यहाँ पे बदल बदल के वाक्य के अनुसार भरना है और इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको इस भेज दूंगी। ये वह पाठशाला जाना, जाना का यानी जाता है, पाठशाला जा रहा था, जा रहा है या जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, वह डॉक्टरी करना चाहता है, वह डॉक्टरी करना से करना चाहता है, यानी कि वह डॉक्टर बनना चाहता है। वह अपने घर जाना, जाना से क्रिया बन सकती है जाता है, जा रहा है या जाना चाहता है। इस तरह हम इन सभी वाक्यों को क्रियाओं से पूरा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं पूरी आपको नहीं बताऊंगी, मैंने आपको उदाहरण बता दिया है, दे दिया है कि किस तरह से आपको इनको फिल करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और मुझे फोटो क्लिक करके भेजेंगे। और आपको समझना भी है, बिना समझे कुछ भी नहीं करना है। ओके, थैंक यू।